Hey guys, what up everybody? It's your boy Ishan Nai Mami. So back at it again with the new video. तो आज बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग बनाने का मन हुआ. मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरीज वगैरह लगाता हूँ तो वहाँ पर मैसेज वगैरह आते हैं मेरे पास कि दोराई कहाँ पर है और मौला अब्बास अली सलाम का रोज़ा कहाँ पर है. तो आज मैं पूरा रास्ता वो बता रहा हूँ आपको. माशाल्लाह अभी नजफ से करबला का सफ़र हो रहा है तो हम भी यहाँ से पैदल अजमेर, हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर, तो यहाँ से अजमेर से बारगाह गरीब नवाज से पैदल दरबार मौला अब्बास के अंदर जा रहे हैं. और जो जो लोग मुझसे दुआ तलब करते हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे, बाकी जो लोगों के लिए हैं और जिन्होंने बोला है मुझसे उनको भी, उनके लिए भी दुआ करेंगे. तो अभी आपको सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है. चलो चलते हैं एंड देखते हैं. ये रास्ता है अपने चक्कर की तरफ से इधर आना. कोई भी जायरीन वगैरह आता है तो उसको पूछ लेना है केसरगंज, उससे इधर वाले रास्ते के ऊपर आना है एंड पेट्रोल पंप की तरफ से निकलना है. और अभी मेरे साथ सलमान है, मैं हूँ, हम दोनों हैं एंड नंगे पैर अलग हैं. सबकी मन्नतें होती हैं, मौला अब्बास अलैहि सलाम सबकी हाज़िरी कबूल अता फरमाए मौला पंजतन पाक के सदक़े के अंदर. और जो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बाहर भी, माशाल्लाह अभी बाहर लोग और मेरी वीडियोस देखने लगे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं बाहर के, वो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैसेज करते हैं कि भाई मैं स्टोरी लगाता हूँ दोराई की, तो मैसेज आते हैं कि भाई दोराई कहाँ पर है हमें बताएं, आपके व्लॉग में डालें. तो आज मन हुआ, जा भी रहे थे पैदल तो मन हुआ बनाने का, तो बना लिया. अभी चलते हैं, ये सीधा रास्ता है यहाँ से पैदल, और गाड़ी भी यहाँ से जाती है, पैदल भी यहाँ से जाती है. तो अभी देखते हैं. बहुत सारे लोग, आज वैसे जुमेरात भी है तो जो हर जुमेरात को बहुत सारे दरबार के खुद्दाम गरीब नवाज के खादिम वो भी जाते हैं एंड जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जैसे ताड़ागढ़ वाले, ताड़ागढ़ से हुए एंड बहुत सारे मेहमान भी आते हैं, ज़ायरीन होते हैं वो भी जाते हैं जिन जिनको मालूम है. तो गाइस तो ये पेट्रोल पंप आएगा एंड अगर गाड़ी से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पैदल के अंदर भी ये रास्ता ही है, ऐसा ही सेम टू सेम सीधा सीधा चलना है रोड रोड. और एक रास्ता मतलब उधर से आता है जो कि ये पूरा घूम करके मतलब अंडरग्राउंड रास्ता है वो, और शॉर्टकट है मतलब वो, उसके ऊपर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पैदल के हिसाब का नहीं है. तो अगर आपको पैदल जाना है तो इजी रोड से जाना पड़ेगा, बिकॉज़ उस रास्ते के ऊपर अगर आप नंगे पैर जाओगे तो कांटे वगैरह बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखो पेड़ है तो ऐसा ही जंगल बना हुआ उधर भी. एंड सलमान भाई कह रहा है कि सब देख रहे हैं गाड़ी वाले जाते हुए, सो इनको शायद मालूम नहीं है कि अपन वीडियो बनाते बनाते प्रोफेशनल हो चुके हैं एंड देख सकते हो कैसे देख रहे हैं. देखो सलमान, ओ स्कूल, एंड ये भी स्कूल है. सलमान भाई कह रहा है, कहना क्या कह रहा है सलमान भाई, तुम कौन देख रहा है? बहुत सारे यानी बहुत सारे लोग देख रहे हैं. काय क्यों, क्या क्या देख रहे हैं तो ये तो बताओ. ये अपनों को अपन पैदल जा रहे हैं ना, हाँ, तो ये जितने भी गाड़ी वाले जो है ना वो सब अपन को देख रहे हैं. हाँ तो मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो एंड पैदल अलग हैं नंगे पैर अलग हैं, तो जैसे कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से तो वो हमारे को कह रहे हैं कि दुआ करना एंड देख रहे हैं. एंड बहुत सारे अदर्स जो लोग हैं जैसे कि गाड़ी वगैरह वाले जो जा रहे हैं एंड मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो वो भी मुझे देख रहे हैं कि क्या पागलपंती चल रही है ये. सो बस ये इनके कहने का मतलब यही है, बट इनको मालूम नहीं कि अपन वीडियो बनाते बनाते इतना प्रोफेशनल हो चुके हैं कि अपने को किसी की दिक्कत नहीं है. एंड देखो वो जो मैं रास्ते की बात कर रहा था वो शॉर्टकट वाला रास्ता ही है, फिर यहाँ से निकल के सारी गाड़ियाँ एक हो जाती हैं तो यहाँ से फिर जाना पड़ता है.
बट ये वाला रास्ता पैदल के लिए नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पेट्रोल पंप वाला रास्ता दूसरा, इधर से आना एंड इधर से सीधा जाना। और मतलब माशाल्लाह अजमेर भी अच्छा हो चुका है, अब पहले ऐसा नहीं रहा, खड्डे वड्डे सब भर चुके हैं, माशाल्लाह सही है। सो अभी चल रहा है। एंड सलमान भाई पैरों की हालत ख़राब हुई क्या? नहीं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। जब हम सलवार का पैदल सफ़र करते हैं, जो लोग सलवार जाते हैं तो उनकी कभी मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो भी लोग जाते हैं, अगर किसी ने देखा नहीं हो तो मेरे चैनल पे डाल रखी है वीडियो, सो वो जाके देख सकता है। तो उस टाइम लोगों की चप्पल भी होती है पैरों के अंदर, बट 65 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो जो सरकार है वो हिम्मत ताकत देते हैं जाने की, तो इंसान चले जाता है। बट अगर सीरियसली देखा जाए तो आम दिनों के अंदर अगर कोई निकल जाए तो ऐसे जान शायद ही पहुँच पाए, बट ऐसे दिनों के अंदर 3 शाबान को पब्लिक निकलती है तो बड़े आराम से पहुंच जाती है। तो सलमान भाई यही बताना चाह रहा है, सलमान भाई ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हमारे, माशाल्लाह दोनों भाई अच्छी तरीके से चल रहा है अभी। एंड ये देखो रामगंज वाला रास्ता आएगा, ये रामगंज है ये पूरा, तो यहाँ से भी सीधा जाना है अपनों को, कहीं रुकना नहीं है, स्टॉप कहीं नहीं है, दोहराई एकदम सीधा 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 सीधा। बट जो मेन रास्ता है दोहराई का वो मैं आपको बताऊं, बिकॉज पहले दोहराई के अंदर एक रास्ता था जो ट्रेन वाली पटरियों के उधर से जाता था, वो रास्ता बंद हो चुका है, पूरा ब्लॉक हो चुका है, हम उस रास्ते से जाएंगे, लेकिन जो आगे वाला रास्ता है वो गाड़ियों वाला रास्ता है, गाड़ियों वाले उधर से जा सकते हैं। बट ट्रेन वाले रास्ते से अगर जाओ तो रिक्शे थोड़ा देख के जाना, बिकॉज वहाँ पर फाटक वगैरह नहीं है जो आपको रोक दे, ट्रेन आती है आवाज़ नहीं आती है, सो अपनों को जाना पड़ता है सीधे वहाँ से। एंड अगर नंगे पैर हो तो कभी वहाँ से मत जाना, बिकॉज वहाँ पर जो अलग थोड़े जानवर वगैरह भी रहते हैं एंड वो भाटे इतने चुभते हैं पैरों के अंदर। सो अगर आपको जाना भी है तो आप उस वाले रास्ते से जाना घूमकर, बिल्कुल वो थोड़ा सा ही आगे चल करें, किसी से पूछोगे तो बता देगा, वैसे ही वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वो दिख जाएगा आपको जाने के लिए। देखो ये देख सकते हो ये रामगंज है, एंड ये रामगंज से भी हमारे को सीधा सीधा चलना है, कहीं रुकना नहीं है। चुंगी कहते हैं इसे, चुंगी। सो यार अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, और बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा क्या, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एंड लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो आगे शेयर। और बहुत से लोग मेरे से कहते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को कि भाई, बहुत से लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि भाई वीडियो नहीं आ रही है, तो उनको मैं बता दूं कि वो इतने दिनों के अंदर मुझे बोलते हैं एंड उसके बाद भी मैं वीडियो डाल चुका होता हूँ। सो मेरे चैनल के ऊपर जब भी वीडियो आती है सो आप देखा करो कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, एंड उसके बाद भी मेरे को पब्लिक कहती है कि नहीं आ रही है वीडियो, तो आपने शायद उसका नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा होगा। बेल आइकन प्रेस करो तभी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पूछेगी, फिर आप वीडियो देख पाओगे, बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग पकड़ के बोलते हैं एंड मैसेज वगैरह भी आते हैं कि भाई हमने सब्सक्राइब कर रखा है बट आप वीडियो डालते हो तो हम चैनल पर जाके देखते हैं तो वीडियो आ चुकी होती है बट हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो मैंने इतने बहुत सारे लोगों को बताया कि बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो तब जाके आपके पास आएगा नोटिफिकेशन, तो आप लोग भी बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। एंड देख सकते हो कितने सारे मशा ये खादिम वगैरह सब जाना है हमारे यहाँ के, मौला हमारी कौम को एक रहने की हिम्मत ताकत दे, एंड सबके लिए दुआ करेंगे वहाँ पर, जिस लोगों ने हमारे लिए दुआ तलब किया हमारे से कि हमारे लिए दुआ करना, उन सबके लिए दुआ करेंगे। एंड आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो कि जो मेरा काम है वो हो जाए जल्द से जल्द, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सत्य के अंदर। तो अभी जो मैं व्लॉग वगैरह इसीलिए मैं लेट ला रहा हूँ बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है व्लॉग वगैरह लाने का, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर कभी किसी दिन मेरे को मौका मिल जाता है तो मैं व्लॉग्स वगैरह लेकर आता हूँ। सो गाइस तो देख सकते हो ये ताड़ागढ़ वाला रास्ता है एंड
मतलब ये इधर से ताड़ागढ़ से लोग आते हैं एंड ताड़ागढ़ से भी इधर जाना है सीधे, ये दोराई का रास्ता है। साइड में चलो, सलमान भाई एंड तो बस थोड़ा सा रह गया है एंड पहुँचते हैं, फिर आपको दोराई दिखाते हैं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा दिखाते हैं। मतलब इतना लुत्फ आता है पैदल वहाँ जाने में, बिकॉज़ जब से हम निकले हमने पानी भी नहीं पिया एंड प्यास ही भी नहीं लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बट प्यास भी नहीं लग रही है। बस चाय पीने रुके थे, चाय पी एंड निकल गए, ना पानी पिया ना कुछ, जो भी पियेंगे दोराई के अंदर पियेंगे। देख सकते हो मतलब पब्लिक जा रही है वहाँ, हमें बहुत सारी पब्लिक, जैसे मैंने वीडियो बन करी वैसे पब्लिक मिली हमारे को जाते हुए गाड़ी पे। वाह भाई साहब चीज़ें देखो आप लोग को नहीं। ओ भाई सेलिब्रिटी है भाई, थोड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, थोड़ा मतलब शाम हो चुकी है एंड अभी दिन के अंदर आने के अंदर धूप इतनी है कि ना मतलब इंसान से चला नहीं जाए, क्योंकि ये रोड है ना बहुत ज़्यादा हीट मारता है। सो बस थोड़ा सा रास्ता बचा है एंड आपको दोनों रास्ते बताते हैं, एक रास्ता कौन सा है और एक रास्ता कौन सा है। छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले थे मेरे को, मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर मतलब बड़े लोग जब मिलते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती है, हाँ भाई वीडियोस देख रहा है तेरे, बट जब छोटे छोटे मिलते हैं ना, क्या भाई व्लॉग नहीं आ रहा है आपके एंड बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं छोटे छोटे से, तो मतलब अलग ही मज़ा आता है एंड वो बच्चे मतलब दिल से कुछ कहते हैं ना, एक तो वो छोटे हैं वो क्या बोले एंड बट फिर भी वो जो बोलते हैं तो उसके अंदर सुनने में भी थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ भाई भाई वीडियो ऐसी बनाओ वीडियो ऐसी बनाओ, तो हाँ भाई मज़ा आता है कि यार छोटे छोटे से बच्चे मिल रहे हैं एंड अपनों को बोल रहे हैं। सो अभी चलो चलते हैं आगे एंड देखते हैं। तो देख सकते हो ये पहले एक रास्ता था, ये अभी पुल बन रहा है यहाँ का, तो ये देख सकते हो ये वाला सेकंड रास्ता है एंड यहाँ से अंदर जाते हैं ये गाड़ियाँ भी और पैदल वाले भी इधर से जा सकते हैं क्योंकि वाला रास्ता बंद है। सो इधर नीचे बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है बिकॉज बारिश होती है एंड वहाँ पर नीचे गड्ढे बने हुए तो पानी भर जाता है, देख सकते हो यहाँ पर का रास्ता कैसा हो रहा है। ओ भाई साहब सारे ट्रेन के वो हैं, नीचे इधर पानी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके नीचे बहुत ज़्यादा पानी है, ये पुल के ऊपर बनी हुई है। सो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं बिकॉज दोराई ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पास के अंदर ही है, हम तो वैसे हैं तो दोराई के अंदर ही बट रोज़ा थोड़ा सा पास में ही है। सो वहाँ चलते हैं एंड आपको दिखलाते हैं, चलो चलते हैं देखते हैं। सो देख सकते हो मतलब ये पानी पानी है कितना, ये देखो कितना पानी है, ये पानी है पूरा, मैं दीवार के ऊपर चल के जा रहा हूँ। सो पीछे सलमान भाई हैं, अबे क्या हुआ पानी इधर से आ जा भाई, ओ भैया। सो पानी से बचते हुए निकले एंड रास्ता भूल गए
सो देख सकते हो सलमान भाई, पैर दिखाना सलमान भाई, सही है यार, हल्का हल्का कीचड़ है, बट वो बिल्कुल नाली वगैरह का पानी नहीं है, वो बरसात का ही पानी है, बिल्कुल साफ एकदम साफ सुथरा पानी है। पैर कूदे जो, ओ, ओ, पता लगा फिर भाई साहब, फोकस क्यों नहीं कर रहा यार, सो मतलब पूरे व्लॉग में मैंने अपने आप को नहीं दिखाया, डिमांड होती है पब्लिक की अपने आप को दिखाना कम कर, सो अब दिखा रहा हूँ, एंड अभी चलते हैं हम रोजे पे, फिर आपको बताते हैं इधर से ही ना, चलो चलते हैं देखते हैं भाई साहब, मौला अब्बास का रोज़ा दिख रहा है और पहुंच चुके हैं हम, अंधेरा हो गया, 7:30 बज रही हैं, माशाल्लाह मौला हम सब पे करम अता फरमाए, मेरे पे सलमान पे ख़ास तौर से नज़र इनायत अता फरमाए, और जो जो ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो के ज़रिए सबकी हाज़िरी कबूल अता फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर करें जल्द से जल्द, और जो अजमेर आने की तलब में वो जल्द से जल्द मौला के कदमों में तलब अता फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो गद्दे वाला रोड जो था ना जिसमें मिट्टी दब रही थी गद्दे टाइप, वो ऐसा होना चाहिए रोड, क्या वो गद्दे गद्दे टाइप लग रहा था है? पानी में इतना पैर डस रहा होगा, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अली हसन भाई सुभान अल्लाह, मौला करम मौला आप सबकी हाजिरी कबूल अता फरमाएं, और जो भी लोग यहाँ आने की ख्वाहिश में हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम उनको जल्द से जल्द अपनी बारगाह में बुलाएं, हफ्ते करम फरमाएं और रहम अता फरमाएं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आप सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाएं, मौला पंजतन पाक के सदक़े के अंदर आपके दामन को कमे शब्बीर से भर दें, तो बस आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अली हसन भाई भी साथ के अंदर हमारे गाड़ी लेकर आए, अली हसन भाई हमारे को लेके जाने के लिए, सो मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सिस्टे बाय बाय।